हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और सेफ होंगे, और मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। आज मैंने मीशो से कुछ सिल्क की साड़ियाँ परचेज की हैं जो आपको वेडिंग में पहनने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। इसे पहन के आप बहुत ज़्यादा अच्छे लगने वाले हो, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की साड़ीज हैं वेडिंग में पहनने के लिए। तो इन्हीं साड़ियों का आज मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। फर्स्ट तो ये हमारी ये साड़ी है, इसका मेहंदी कलर है इस साड़ी का, और इसका मटेरियल काफ़ी सॉफ्ट है। अगर आप बिगिनर्स भी हो तो आप इसे अच्छी तरफ से रैप कर सकते हैं। आपको साड़ी पहनना भी नहीं आता है तो आप इसे बहुत ही अच्छी तरह से रैप करके पहन सकते हैं, क्योंकि इसका मटेरियल बहुत ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट साड़ी है। तो चलिए सबसे पहले तो हम इसके पल्लू से स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार विज़िट कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और ऐसे ही नए वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। और जिन्होंने पहले से ही सब्सक्राइब किया है उनसे मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए और प्यार देते रहिए। सो फ्रेंड्स, ये है इस साड़ी का पल्लू। ये जो पल्लू है ये पिंक कलर में है, और उसी कलर का ये जो है साड़ी का बॉर्डर दिया है। देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा रिच लुक पल्लू है। देखिए कितना नीट एंड क्लीन वर्क है इस पल्लू का। रिवर्स साइड से भी इसकी फिनिशिंग देखिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग है। और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सॉफ्ट पल्लू है। उसी तरह इस साड़ी का कपड़ा भी काफ़ी सॉफ्ट है, और वेडिंग में पहनने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। और इसका कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ इसे ऐसे डाला है तो कितना अच्छा लुक लग रहा है इसका। पहनने पे इसका ओवरऑल लुक कैसा आता है वो आपको ट्राई ऑन में दिख ही रहा होगा। आप देखिए पूरी ही साड़ी में इसी तरह की बूटियाँ दी हैं, मैं आपको आगे चल के दिखा रही हूँ। देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट साड़ी है। इसकी मटेरियल क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई। बहुत सॉफ्ट है ये साड़ी, और आप देख सकते हैं इसका टू शेड वाली साड़ी है ये। थोड़ी सी ब्लैक लगती है और मेहंदी ग्रीन कलर लगता है। बहुत ज़्यादा अच्छी है साड़ी। अब देखिए टकिंग पार्ट से लेकर पूरे पल्लू तक इसी तरह का वर्क, इसी तरह की रूबेन की बूटियाँ इस साड़ी में दी हैं। मेरी तरफ से ये साड़ी 100% रिकमेंड है आपके लिए फ्रेंड्स। मैं तो कहूँगी ज़रूर से ज़रूर आप इसे परचेज़ कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट साड़ी की तरफ। तो नेक्स्ट साड़ी है हमारी ये कि मैंने पिस्ता ग्रीन कलर में ये साड़ी परचेज़ की है। इसमें और भी कलर ऑप्शन अवेलेबल हैं, आपको जो कलर पसंद आए आप परचेज कर सकते हैं। मुझे ये कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, स्पेशली इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो मैंने इससे इस कलर में परचेज कर लिया। तो चलिए शुरू करते हैं। ये इसका टकिंग पार्ट है साड़ी का। देखिए टकिंग पार्ट से लेकर इसी तरह की बूटियाँ दी हैं साड़ी में। रिवर्स साइड से भी आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत साड़ी है और काफ़ी रिजनेबल प्राइस में है ये साड़ी। कुछ 1000 या 1100 रुपीज़ में मुझे ये मिली है। देखिए इस तरह का इस साड़ी का बॉर्डर है, बॉर्डर भी सॉफ्ट है, और साड़ी तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। पहनने पे इसका लुक कैसा आता है वो आपको ट्रायल में दिख ही रहा होगा। ये है ऊपर साइड वाला बॉर्डर जो कि थोड़ा कम ब्रॉड है, और ये नीचे साइड वाला बॉर्डर जो कि ब्रॉड रखा हुआ है इन्होंने, जिससे इस साड़ी का लुक और भी ज़्यादा इन्हांस होकर आ रहा है। अब देख सकते हैं पूरी ही साड़ी में इसी तरह की बूटियाँ हैं, और इस साड़ी में भी बहुत ज़्यादा शाइन है। आप देख सकते हैं वीडियो में अच्छे से नहीं दिख रहा है, लेकिन रियल में देखने पर ये साड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। येल्लो एंड पिस्ता ग्रीन कलर ऐसा शेड लगता है इस साड़ी का, देख पा रहे होंगे आप फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, आप इसे जैसे चाहे वैसे पहन सकते हैं। ये
जैसे आप पहनेंगे ये साड़ी दिन भर वैसे ही रहने वाली है, देख सकते हैं। और सबसे खास बात तो इसका ये पल्लू, वाओ कितना रॉयल पल्लू है, पास से देखिए कितना ज़्यादा प्यारा। और इसकी खूबसूरत सी बात तो ये टेसल्स, टेसल्स की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है और इन्होंने इस तरह से टेसल्स की डिज़ाइन बनाई है। अब देख सकते हैं पल्लू भी कितना ज़्यादा शाइन कर रहा है, रिवर्स साइड से भी फिनिशिंग देख लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा अच्छी साड़ी है। ये साड़ी भी 100% रिकमेंड करती हूँ मैं आपको, आप इसे ज़रूर से ज़रूर परचेज कीजिए फ्रेंड्स। आज मैंने जो साड़ियाँ लाई हैं वो सभी वेडिंग वेयर में पहनने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। अगर आप ये साड़ियाँ पहन के जाओगे ना, ट्रस्ट मी, सब आपको ही देखते रह जाएंगे। और ये है हमारे हाउल की सबसे ज़्यादा प्यारी और स्पेशल साड़ी, बहुत ही ज़्यादा, देखिए देखते ही कितनी अच्छी लग रही, मुझे तो पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। अब देख सकते हैं सबसे पहले तो हम इसके पल्लू से स्टार्ट करेंगे, देखिए फ्रेंड्स वाओ कितना रिच लुक पल्लू है इसका, देखिए अगर आप इसे किसी की शादी में पहनेंगे तो ट्रस्ट मी दुल्हन की तरह दिखोगे आप, दुल्हन से भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगोगे। और देखिए पूरी ही साड़ी में इसी तरह का वूवन का वर्क दिया है, पास से देखिए, ये देखिए ये छोटी छोटी कितनी ज़्यादा अच्छी तरीके से इस साड़ी को बनाया गया है फ्रेंड्स। और ये बूटियाँ भी छोटी छोटी और कितनी सारी पास पास ही दी हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा दूर दूर बूटियाँ बनाई हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और देखिए इसका शेड वीडियो में अब भी आपको दिख रहा होगा कि कितना अच्छा शेड है। और ये ऊपर साइड वाली बॉर्डर है और ये है इसकी नीचे साइड वाली बॉर्डर, आप देख सकते हैं। और इस साड़ी में ये भी टू शेड वाली साड़ी है, ये जो है ये पल्लू वाला पार्ट आएगा और जो हम प्लेट्स बनाते हैं तो ये वाला पार्ट आएगा वहाँ पे, सेम ही है बस कलर का डिफरेंस है, बाकी पैटर्न वो सब कुछ सेम है, बस ये प्लेट्स बनाएंगे हम तब ये मरून वाला आएगा। दिखाती हूँ मैं आपको कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है ये साड़ी फ्रेंड्स, देखिए और देख सकते हैं आप, ये है इसका टकिंग पार्ट, देखिए टकिंग पार्ट से लेके पल्लू तक पूरा ही वर्क बनाए हैं वूवन का, पूरी ही भरी भरी साड़ी है, इसे आप किसी की भी वेडिंग में बहुत ही अच्छी तरह से पहन सकते हैं। मैं तो इसे भी 100% रिकमेंड करूँगी, आप इसे ज़रूर से ज़रूर परचेज कीजिए फ्रेंड्स। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।